अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। उम्मीद है कि सभी लोग बख़ैर व आफियत होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को इसी तरह खुशहाल रखे, आमीन। दारुलूम वक्फ देवबंद ने उठाया बहुत बड़ा कदम, जिसको सुन करके जिसको देख करके हर कोई तारीफ करने पर मजबूर हो गया और जदीद तलबा के लिए नए तलबा के लिए बहुत ज़्यादा आसानी पैदा हो गई और देवबंद में दाखिला लेना बहुत ज़्यादा आसान हो गया। दोस्तों, पूरी खबर क्या है जानने के लिए इस वीडियो को मुकम्मल देखें, इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल अरमुगान हक को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आइए पूरी खबर को जान लेते हैं, सुन लेते हैं। अजीम दीनी दसगाह दारुलूम वक्फ देवबंद में आइंदा तालीमी साल बाबत 1445 हिजरी 46 हिजरी से जदीद दाखिला फारम की ऑनलाइन तकसीम का सिलसिला शुरू किया जा रहा है। इस ताल्लुक से दारुलूम वक्फ देवबंद के नायब मोहतमिम मौलाना डॉक्टर मोहम्मद शकीब कासमी ने तफसील बताते हुए कहा कि दारुलूम वक्फ देवबंद इदारा की तरक्यात के बाब में हर चंद असलाहत और तलबा को सहूलियात बहम पहुँचाने के लिए हमेशा कोशा रहता है। उसी तनाजुर में दारुलूम देवबंद में आइंदा तालीमी साल से ऑनलाइन जदीद दाखिला फारम की तकसीम का सिलसिला भी है। उन्होंने बताया कि देवबंद के मदारिस में माह शव्वाल के अवाइल में जदीद दाखिला का निज़ाम नाफिज रहता है, जिसमें जदीद उम्मीदवार तलबा की कसरत की बिना पर देवबंद में तलबा का एक हजूम होता है और उन्हें मुख्तलिफ दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। उन्हीं मसाइल के पेश नज़र दारुलूम वक्फ देवबंद ने आइंदा तालीमी साल से जदीद दाखिला फारम की ऑनलाइन तकसीम का फैसला लिया है। उन्होंने इस निज़ाम की तफसील बताते हुए कहा कि ऑनलाइन फारम की तकसीम का यह सिलसिला 10 रमजान मुबारक से शुरू होकर 5 शव्वाल मुकर्रम तक जारी रहेगा। हर जमात के लिए तकसीम फारम की एक महदूद और मुतय्यन तादाद होगी। उस जमात की मुतय्यना तादाद पूरी होने पर 5 शव्वाल से पहले भी सिर्फ उसी जमात के लिए तकसीम फारम का सिलसिला मौकूफ किया जा सकता है। तकसीम फारम का यह निज़ाम इदारा की वेबसाइट से जारी रहेगा। फारम के हुसूल के लिए उम्मीदवार को इदारा की वेबसाइट www.edu.in पर जाना होगा। वहां जदीद दाखिला फारम बाबत 1445-46 हिजरी का एक ऑप्शन नज़र आएगा। उस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद चंद हिदायत आएंगी, जिन्हें मलहूज रखते हुए अगले सफ़ा पर मौजूद फारम की खाना पूरी करनी होगी। हसब जाब्ता फारम की तकमील के बाद उम्मीदवार को इजाज़त बराए शिरकत इम्तिहान दाखिला मौसूल होगा। वाज़ह रहे कि इम्तिहान की तफसीलात बर वक्त इदारा नश्र करेगा। उन तफसीलात के मुताबिक इजाज़तनामा के हमराह उम्मीदवार शरीक इम्तिहान होगा। उन्होंने बताया कि यकीनन दारुलूम वक्फ का यह इकदाम इदारा की तारीख में एक इनकलाबी इकदाम साबित होगा। उम्मीद है कि आप लोग मुकम्मल वीडियो देख लिए होंगे और मुकम्मल खबर सुन लिए होंगे और दारुलूम देवबंद का बेहतरीन और खूबसूरत इकदाम भी आप लोग जान गए होंगे, सुन लिए होंगे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक आप हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रखिएगा।